बिना चीनी बिना गुड़ की यह मिठाई हाई प्रोटीन के साथ साथ यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो यह इस मिठाई को राखी पर आप ज़रूर बनाइएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, थोड़े से पिस्ता लिया है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे बस 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें हल्का सा क्रंचनेस आ जाए। तो यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बस 2 मिनट हो गया है और ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, तो अब हम इस ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब उसी पैन में एक चम्मच और घी डालेंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 कप करीब ओट्स लिया है, ये प्लेन ओट्स है, मसाला ओट्स नहीं लीजिएगा, प्लेन ओट्स आता है। अब इसे 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे एकदम लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम वाइट कंपाउंड लिया है, यह पैकेट 500 ग्राम का आता है। तो आपके पास अगर यह नहीं है तो वाइट चॉकलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मिल्की बार हुआ, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो इस चॉकलेट को अब हम चाकू से हल्का हल्का क्रश कर देंगे। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आता है और बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स और ओट्स और अपने पसंद से कोई भी नट्स डालकर आप हेल्दी मिठाई बना सकते हैं, यह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को जो रोस्ट करके रखा था, अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, ये मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, हल्का सा दरदरा है ताकि खाने में इसका क्रंचनेस आए तो अच्छा लगता है। अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा मुंह वाला एक डेक्ची लिया है, जिसके ऊपर जिसमें चॉकलेट रखे हैं वो प्याला आराम से आ जाए। इसी तरीके से कोई भी छोटे मुंह वाला पैन लेंगे ताकि प्याला जो है पानी से टच नहीं होना चाहिए। अब पानी को हम बॉयल होने देंगे। आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो उसमें भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए टाइमर लगाइए और उसे चलाइए, फिर 10 सेकंड के लिए टाइमर लगाइए, ज़्यादा देर नहीं करिएगा, नहीं तो आपका चॉकलेट जल जाएगा। ये देखिए, पानी बॉयल हो गया है, गैस का फ्लेम बंद करके उस पर चॉकलेट का प्याला डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे। अब ये देखिए, 2 मिनट बाद चॉकलेट सॉफ्ट होने लगा है। तो अगर आपको लग रहा है कि पानी ठंडा हो गया तो फिर से आप गैस का फ्लेम जलाकर पानी गर्म कर ले और इसे मेल्ट कर ले। तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम जो ओट्स को रोस्ट करके रखे थे उसको एक बॉल में डाल लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा था उसे भी इस बॉल में डाल देंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए, ये चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे भी इसमें मिला देंगे। चॉकलेट को इसमें डालकर फटाफट से इसे मिलाना है, क्योंकि चॉकलेट अभी गर्म है, ठंडा होने पर ये फिर बिल्कुल जमने लगेगा तो इस बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसे हम हाथ से मिलाएंगे, चम्मच हटा दे रहे हैं और ये अभी बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी हमें इसे हाथ से मिलाना है, नहीं तो ठंडा होने पर ये जो शेप बनाना चाहेंगे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से ये मिठाई बनाइएगा, नहीं तो मिक्सचर ठंडा हो जाने पर
ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का शेप दिया है। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसी गर्म पानी की डेगची पर उस प्याले को डाल दीजिएगा और फटाफट से सारे मिठाई को बनाकर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डार्क कंपाउंड चॉकलेट था तो उसे उसी तरीके से मेल्ट कर लिया है और एक थैली में, उसी चॉकलेट की थैली में भरकर उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से बनाने पर बच्चों को अच्छा लगता है देखने में। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया। आपके पास अगर पाइपिंग बैग है तो उसमें भी भरकर बना सकते हैं। हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं था तो मैंने प्लास्टिक की थैली में डालकर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।